अस्सलाम वालेकुम जी, ऑल द व्यूअर्स, तमाम लोग वाकिफ हैं, बेशुमार हमारे सेशंस ऑलरेडी इवॉल्व के प्लेटफॉर्म से हो चुके हैं। कुछ मेरे सेशंस थे, कुछ मेरी टीम के सेशन थे, और मेरा ख्याल है कि लॉकडाउन का सिलसिला, पार्शल लॉकडाउन का एक सिलसिला जो कभी ओपन कभी क्लोज्ड और मुख्तलिफ सिलसिले जारी हैं। लेकिन मैंने एक वादा किया था कि आई विल बी ब्रिंगिंग दो स्पेशल पीपल हु आर इन्फ्लुएंसिंग लाइव्स, और खास तौर पे ऐसे लोग जिन्होंने पॉजिटिवली हजारों जिंदगियां बनाई हैं। मैं बहुत लंबी चौड़ी उम्मीद बांधने की बजाय, क्योंकि मेरा ताल्लुक मुल्तान से रहा, एंड व्हेन वी स्टार्टेड दिस जर्नी या जो मेरा सफर था मुल्तान का, तो मेरा जाहिर सी बात है इनिशियल स्कूलिंग जो है वो मुल्तान पब्लिक स्कूल में हुई। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने एक ऐसे उस्ताद को इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आऊं हु डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन, अ वंडरफुल मैन, और फिर बहुत सारी जिंदगियां बनाने वाले। और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरे उस्ताद, जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन है मुझ समेत बहुत सारे मुल्तान पब्लिक के लोगों की जिंदगियां बनाने में, ख्वाजा रियाज उल हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम फैज साहब, वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और सर टाइम दिया। मैं बल्कि शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे टाइम दिया और अपने प्रोग्राम में जो है इनवाइट किया। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं अपने ओल्ड स्टूडेंट से भी और दीगर लोगों से भी इस जरिए से जो है बात करूंगा। सर मैं बड़ा मेमोरीज रिकॉल करता हूँ, और आपका जब भी जिक्र आता है मुल्तान पब्लिक स्कूल की, अगर कोई कहानी लिखी जाए तो वो आपके बगैर शायद मुमकिन ना हो। इतनी जबरदस्त जो टाइम हमारा गुजरा है, तो मैं बगैर कबल इसके कि मैं मुल्तान पब्लिक और उसकी जिंदगी की तरफ आऊं, मैं आपके बारे में बहुत सारे लोग जो नहीं पाते जानते, मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ। अभी भी आप वाइस प्रिंसिपल एकेडमिक्स हैं मुल्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के। मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ख्वाजा साहब रियाज की जिंदगी से वाकिफ हैं, वाकिफ होंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे बताएं कि व्हाट यू बिल्ट या व्हाट यू मेंट टू बी अ टीचर। बचपन से स्कूलिंग कॉलेज में सर होता है पैशन होता है कि हम उस्ताद बनेंगे या कोई सिलसिला होगा, या फिर ये अचानक हुआ? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपका। देखिए, ये जो हमारे यहाँ टीचिंग का शोभा है, ये लोग मेरे ख्याल में उनकी पहली प्रायोरिटी नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं आता। लोग जो है जौक और शौक से इसमें नहीं आते, ज्यादातर लोग जो है वो अच्छी दूसरे शोभों में जाना चाहते हैं। लेकिन आप यकीन कीजिए कि मेरी जिंदगी का ये एक मैंने बनाया हुआ था कि मैं टीचिंग में जाऊंगा, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी। या फिर इसके अलावा ये था कि अगर मैं टीचर ना बन सका, तो ये मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ कि जब मैं एजुकेशन का प्रोसेस मेरा हो रहा था, क्योंकि मेरी एजुकेशन सारी बहावलपुर से हुई है। वहां से सादिक डैन हाई स्कूल है, फिर सादिक एजल्टन कॉलेज है जहाँ से मैंने डिग्री की, फिर उसके बाद इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से मैंने एमए इकबालियात किया। तो ये उन दिनों की बात है। इस दौरान जो है मुझे, जब मैंने एमए कर लिया था, तो मुझे दो जॉब्स जो हैं ऑफर हुई थी लकीली। एक तो ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, इसमें पीआरओ, ये उस वक्त सेक्शन स्टार्ट हो रहा था इस्लामाबाद टू पिशावर का, ये जो मोटरवे का, उसमें पीआरओ की। और दूसरा लोक विरसा में खालिद सलीम भट्ट साहब होते थे इस्लामाबाद में, वो ड्रामों में भी वो खासे लिटरेरी आदमी थे, तो वहां पे मेरी सिलेक्शन हो गई थी। लेकिन मुझे जब ये मुल्तान पब्लिक स्कूल की अपॉर्चुनिटी मिली, तो उन्हीं दिनों में, तो मैं वो, हालांकि गवर्नमेंट जॉब्स थी, तो मेरा जो एक दिल में मेरी ख्वाहिश थी कि जी मैं टीचर जो है मेरा, मैंने अपना प्रोफेशन लेना है, तो मैं वो फिर इसको ज्वाइन कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरे ख्याल में अबाउट 31 ईयर्स तो मैं यहीं पे हूँ। और यानी अपनी ख्वाहिश के तहत मैंने ये शोभा जो है वो ज्वाइन किया, और मैं इस पे बहुत मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत बाकी सारे अगर लोग आप तो डिटेल ऑलरेडी डिटेल्स आपके लेना चाहें, तो मेरी जो लाइफ है, अगर मैं अपनी स्कूल लाइफ से देखूं, तो जी जी तो बताइए सर। थोड़ी सी आवाज कट गई थी। मैं अगर मैं अपनी स्कूल लाइफ देखूं, तो
मेरे पेरेंट्स ने उनका ज्यादा एम्फेसिस जो था वो था पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे ना। पढ़े लिखे लोग थे, मेरे फादर जो हैं माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, और मैं सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर जब जाता था अपने एमए के दिनों में, वैसे तो वहां पे मैट्रिक के दिनों से ही जाना शुरू हो गया, लेकिन बहरहाल एमए के दिनों में भी जब मेरा जाना हुआ तो वहां का स्टाफ कहता था कि सर आपका आपके फादर जो है उन्होंने जो हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड का सेक्शन है सारा उन्होंने खत्म कर लिया। तो वो जो हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड का उनका और इंटरनेशनल रिलेशंस का जो उनका शौक था वो उनकी फिंगर टिप पे था ना। तो उन्होंने हमारी जो ग्रूमिंग की, हम दो भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने हमारी ग्रूमिंग जो है उस दौर में इस तरह की जिस तरह आज हम तस्वर करते हैं कि पब्लिक स्कूल सेक्टर को ज्वाइन करना चाहिए, बच्चों को एचिसन में पढ़ना चाहिए, बच्चों को लॉरेंस कॉलेज में पढ़ना चाहिए। उस दौर में हमारे यहाँ बहावलपुर में सादिक पब्लिक स्कूल एक मॉडल इंस्टीट्यूशन था, आपको पता है कि वो बिल्कुल तो उन्होंने उसी तर्ज पे ना मेरी कुछ ग्रूमिंग जो है वो सादिक पब्लिक स्कूल में भी हुई। तो इसके अलावा बचपन ही में राइडिंग होगी, ट्रैवलिंग होगी, ठीक है, इस तरह की जो हेल्दी एक्टिविटीज हैं वो गेम में करता था। मेरा गेम में मुझे शौक था हॉकी खेलने का, क्योंकि मैं उस कॉलोनी में रहता हूँ जहाँ समीउल्ला, कलीमुल्ला, मतीउल्ला, ये ओलंपियंस जो है ना मेरे हम दीवार है, मेरे फर्स्ट डोर नेबर्स हैं। सही, तो सही। वो गेम में फिर Okay, I think we have a slight disconnection here. We'll try and get Faisal back again as well. Lekin is baat mein waqai koi doubt nahi hai that was, in fact, everyone will be with familiar that Multan Public School was the school jahan se humne, jahan se in fact maine apne safar ka aagaaz kiya, and at that time, and still it is used to be one of the best schools that we had in those time as well. Baki, एक बहुत अहम बात जो सिलसिला अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, दैट वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग इज कि रिकॉलिंग गुड मेमोरीज इज ऑलवेज समथिंग व्हिच हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट। मैं अगर इस बात को कहूँ कि हम तमाम लोग जो अपनी लाइफ में जिस मौके पे भी होते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू लुक बैक एट योर लाइफ एंड रिकॉल द बेस्ट टीचर्स जो आपकी लाइफ का असर रहे हो, एंड इन फैक्ट देयर इज नो डाउट दैट ख्वाजा साहब हैज बीन वन ऑफ देम। He has inspired a lot of people in different understandings, in different scenarios, and still remains an iconic figure as well. We will try to get him back. Jaise hi wapas aate hain, to fir unse hamara ek silsila discussions ka jari rahega. To Khair sahab, if you can hear me now, sir. Okay. So we'll have him back as soon as possible. तो मैं वही सिलसिला जो बता रहा था कि मुल्तान पब्लिक स्कूल brings a lot of memories. When you look back at your life, school को अगर आप खासतौर पर याद करते हैं, स्कूल में उस्ताद जो आपके साथ मौजूद होती है, those are all the people who contributed so much to your life. And I think that's the major essence of anyone's or any person's upbringing, जहां भी आप मौजूद हो. गेम्स में मैं बता रहा था कि हॉकी में जी बेटा जी 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 तो फिर हॉकी में हुए तो मैंने पंजाब अंडर 16 खेली, फिर पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज तक जो है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह गेम्स में किया। तो ये इसमें ना लाइफ की एक बड़ी उससे एक्सपोजर और ग्रूमिंग का जो मौका, जिस तरह एक प्रॉपर ग्रूमिंग हमारी हुई दोनों भाइयों की, तो चीजों को देखने का जिंदगी में मौका मिला ना। तो बहरहाल मैं छोटा सा एक स्केच था अपनी लाइफ का। इकबाल का भी एक शेर है कि बाप का इल्म ना बेटे को अगर असबर हो तो पिसर काबिल है मिरास पिदर क्यों कर हो। तो वो जो कुछ वाले साहब की तरफ से भी मिरास मिली, तो क्या वो ही उसी ने आपको एजुकेशनिस्ट की तरफ रागब किया सर?
जी बेटा, इसमें तो कोई शक नहीं। देखें कि पेरेंट्स तो एक बड़ा रोल प्ले करते हैं ना आपकी शख्सियत साजी में, जो किरदार वालदैन का है वो सर। पहला इंस्टीट्यूशन तो वही है। जिस तरह कहा जाता है कि माँ की गोद जो है, फिर पेरेंट्स हैं, वो एक फैमिली है। वहां पे अगर आपको प्रॉपर ग्रूम अगर आप हो जाते हैं, वही असल चीज है मैं समझता हूँ। अच्छा आज सर, के दौर में थोड़ा अगर सा मुझे मुझे आप थोड़ा कहने की सा इजाजत ब्रीफ दें कि करें कि दुनिया में, मैं मुल्तान आमतौर पे कैसे। अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ, जी जी सर, जी सर, बेटा नेट बहुत स्लो है, मैंने आपके सवाल सुना नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आपके सफर जो मुल्तान पब्लिक स्कूल की तरफ आमद हुई सर, वो कैसे सिलसिला बना और फिर इतना ही अरसे एक ही जगह पे कैसे गुजरा सर? बेटा रिपीट कीजिएगा क्योंकि नेट स्लो है, मेरे पास आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं सर ये कह रहा था कि मुल्तान पब्लिक स्कूल आमद फिर कैसे हुई और इतना लाइफ का लंबा अरसा मुल्तान पब्लिक ही कैसे गुजरा सर? दानियाल बेटा नेट बहुत स्लो है, आवाज मुझे नहीं आई आपने जो सवाल किया मुझे। और इट विल बी ट्राई टू गेट हिम बैक। मेरा ख्याल है कि हम वापस लेने की कोशिश करते हैं। माय टीम इज गोना वर्क अराउंड इट। दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर ट्राइंग टू लिंक अप लाइव सेशन। सर, अब आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? देखें देखें बेटा, अगर अब आप मेरी आवाज सुन सकते हैं अब सर? मुझे नहीं समझ आ रही कि आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, क्योंकि ओके, सो विल ट्राई टू हैव फॉल्स अप बैक अगेन सो दैट आवर डिस्कशन कंटिन्यूज। जी, वे बैक अगेन। खान साहब, आप मुझे सुन जी सकते हैं? जी जी बिल्कुल, अब ठीक अच्छा, यही जो मजा है टीचिंग का, वो बराह रास्त क्लासरूम की टीचिंग और इंटरनेट की टीचिंग में फर्क है, ये तो अभी हमें पता लग गया। जी, ये वो जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात है वो ये आपने देख ली यहाँ पे। अच्छा सर, मैं उसी सिलसिले को जोड़ता हूँ। तो हॉकी का इतना पैशन, वंडरफुल स्पोर्ट्समैन, एक एजुकेशनिस्ट घराने से ताल्लुक और इतना सारा कुछ, और टीचिंग और फिर मुल्तान, ये कैसा हुआ सर?
जी, मैं बस वो वही मैं आपको बता रहा था कि इंसान जो है वो अपनी प्रायोरिटीज जब सेलेक्ट करता है या सेट करता है तो फिर उस ये चीजें अपने मजाज को अपनी शख्सियत को सामने रख के और जो उसकी लाइफ में जो उसने गेन किया होता है वो फिर फैसले होते हैं। तो टीचिंग का फैसला इसीलिए था बेटा, मेरे मजाज में ये चीज आ गई, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं आज भी ये कहता हूँ, मेरी आज भी ये ओपिनियन है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए यकीनन साइंसेज और मैथ्स और जो इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग पढ़नी चाहिए, जरूरी चीज है और पढ़ानी चाहिए, लेकिन असल चीज जो पढ़ाने की जरूरत है वो है इंसानियत, ठीक है, जिसमें हम लैग करते हैं, जिसके नतायज हमारे सामने हैं। आप पूरी दुनिया में अगर एक ग्लोबल उसमें व्यू अगर आप लें तो आप देखेंगे कि अगर इंसानियत में अगर हमारे पास कोई डिग्री होती, हम उस लेवल पे होते तो ये कभी कश्मीर और बर्मा और फलस्तीन और ये जो बेइंसाफी और जबर और इस्तबदाद आपको कहीं नजर ना आता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, उन्होंने इंसानियत पढ़ाई थी, उन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ाई थी, उन्होंने साइंसेज नहीं पढ़ाई, बायोलॉजी नहीं पढ़ाई, उन्होंने मैं ओवरऑल जैसे के इंसानियत पढ़ाई, और फिर वो इंसानियत जिन लोगों ने पढ़ी सीखी तो फिर आपने देखा कि दुनिया में कितना बड़ा इंकलाब आ गया। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जहां ये चीजें जरूरत हैं वहां पे हमें अपनी सोशल और मॉरल वैल्यूज जो हैं, अपने रिलीजियस नॉर्म्स जो हैं उनको भी साथ। तो जब मैं टीचिंग में आया तो मेरे सामने सबसे अहम बात ये थी, मैं बेटे को जो है जूनियर सेक्शन में दाखिल करने के लिए गया तो वहां के हेडमिस्ट्रेस ने मुझसे बात की, तो मुझे उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब आप फिक्र न करें, ये माशाल्लाह आपका बेटा है तो ये जिंदगी में बड़ी तरक्की करेगा, अली हसनैन ख्वाजा जो है, तो जी सर, माशाल्लाह उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने उन्हें कहा, मैडम फौजिया शबाब थी उस वक्त, तो मैंने उन्हें कहा कि मैम असल में जो रिज्क इसके हिस्से का है अल्लाह ने इसे देना है, एजुकेशन भी इंशाल्लाह ये करेगा, फैसिलिटीज अल्लाह ताला ने इसको दे दी हैं तो आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे अच्छा इंसान बना दें, वाह क्योंकि जिंदगी में जो अहम चीज है वो यही है कि आप जहां पे दुनियावी उलूम व फनून में जो महारत हासिल करें लेकिन आप अच्छे इंसान, सोसाइटी को एक जब एक अच्छा इंसान मिलता है तो वो सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट होता है। तो आज ये जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, स्ट्रेसेस हैं सोसाइटी में, आप देखते हैं कि ये भाग दौड़ है, तो बेचैनी बेकरारी है, ये सारी इस वजह से है कि हमने कभी अपनी मॉरल वैल्यूज पे और अपने नॉर्म्स पे और अपने इस पे कभी तवज्जो ही नहीं दी और बच्चों को इस ऐसे तरफ लाने की कोशिश नहीं की। ऐसे अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल है। मैं क्योंकि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ एक उस्ताद की हैसियत से जो आपका वक्त रहा उसको भी मैं करना चाहूंगा। आपने तो बहुत सारे तालीम के दौर देखे हैं, ठीक है, आपने 1890s का एरा भी देखा, 2000s का एरा भी देखा, और अब ये जो टीन्स चला 2010 से 20 तक वो भी आपने देखा। अब आपने क्या जो उस्ताद या जो उस्ताद की हैसियत और शागिर्द और उस्ताद के जो रिलेशनशिप है इसमें फर्क देखा? क्योंकि हम ये सुनते हैं, हम मेरे वाले साहब मुझे बताते हैं कि जी जो पुराने वक्तों में उस्ताद की हैसियत होती थी वो तो क्या ही बात थी, अब टेक्नोलॉजी इन सारी चीजों ने चीजें बदल दी, उस्ताद और शागिर्द का रिलेशनशिप एक डिफरेंट हैसियत इख्तियार कर गया। बहुत अच्छी बात आपने की, मैं ये समझता हूँ कि देखें रिलेशन उस्ताद और शागिर्द का यकीनन उसमें चेंजेस आई हैं, लेकिन देखें सबसे अहम बात यह है कि अगर आप उस्ताद की हैसियत से और अपनी हैसियत को आप जानते हैं पहचानते हैं तो मैं नहीं समझता कोई रिस्पेक्ट में या उसमें कोई कमी आई, ऐसी बात नहीं है। अगर कहीं कोई ये क्लेम करता है कि इस तरह के हालात हुए हैं तो उसमें हमारा अपना किरदार भी मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि मैं 1 जनवरी 1989 को ज्वाइन हुआ था एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर इधर मुल्तान पब्लिक स्कूल में, तो मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने उस वक्त जो रिस्पेक्ट दी थी आज भी वही देते हैं, आज भी मुझे उसी तरह की रिस्पेक्ट मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे दोस्त और मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर्स और मेरे मेरे टीचर्स, ठीक
ठीक है, मैं उनको देखता हूँ, तो मुझे उस तरह का कोई चेंज नजर नहीं आता। हाँ, ये और बात है कि अब ये मटीरियलिस्टिक अप्रोच जो है उसने जहां पे शागिर्दों को शायद कुछ मुतासर किया, तो सबसे ज्यादा असातिज़ा को भी मुतासर किया। एक दौड़ है क्योंकि इंसानी जरूरियात हैं, माशरा है, सर्वाइव करना है, हालात हैं, उसकी वजह से हम एज अ टीचर कम्युनिटी हमने भी बहुत सारी चीजें कंप्रोमाइज की है। तो हो सकता है कि उस वजह से हमारे रिलेशंस में जो है कोई तब्दीली वाकई हुई हो और कमी बेशी हुई हो, वरना मैं समझता हूँ कि अगर हम एक सिंसियर डेडिकेटेड टीचर जो है उसको हर जगह रिस्पेक्ट मिलती है, उसे 89 में भी मिल रही थी, उससे पहले भी मिल रही थी और आज के बाद भी मिलेगी इंशाल्लाह। वंडरफुल अच्छा सर, आई वांट टू कम बैक टू, मैं बहुत माजरत के साथ क्योंकि मैं बड़ा पैशनेट हूँ मुल्तान पब्लिक स्कूल के वाले से बात करने के वाले से, ये एक लेगेसी बनी उस्ताद हमारे, मैं मेरे भाई पढ़े वहां तकरीबन 10 साल, मैं कुछ 7-8 साल पढ़ा, एक लेगेसी मुल्तान पब्लिक स्कूल ने क्रिएट की और आपके तो हजारों सैकड़ों हजारों शागिर्द जो है वो पूरी दुनिया में फैले। ये एक इदारा जो है वो लेगेसी बनाने वाला इदारा कैसे बनता है? बहुत सारे इदारे हैं आपने देखे होंगे, स्कूल बनते हैं, लेकिन एक ऐसा इदारा जिसने लेगेसी बनाई और फिर वो पूरी दुनिया में फैली। देखिए बेटा, बात ये है कि इदारे अपने अपनी ट्रेडिशंस के साथ चलते हैं, अपनी ट्रेडिशंस के साथ चलते हैं। आप ट्रेडिशंस को जितना सॉलिडली फॉलो करेंगे, आपके बच्चों की ग्रूमिंग जो है, उनकी शख्सियत साजी जिसे हम कहते हैं, उनकी तालीम और तरबियत जो है वो उसी तरह फिर बेहतर से बेहतर होती जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि जी ये जो पब्लिक स्कूल सेक्टर है ये यकीनन ऐसा सेक्टर है जिसमें वो जो एक ट्रेडिशन, एक रिवायती जिसे एक पुराना सिस्टम जो एजुकेशन का था उसमें एक बड़ी तब्दीली जो है उसमें पैदा की पॉजिटिवली। उसमें लोगों को पहले, अब आप देखें कि हमारे यहाँ पंजाब में जो है कुछ इदारे थे जैसे सादिक पब्लिक स्कूल है, एचिसन कॉलेज है, लॉरेंस कॉलेज है, उसके बाद जो है कैडेट कॉलेज हसनअब्दाल आया, तो उस वक्त लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटीज नहीं थी कि वो इस तरह के इदारों में जाके तालीम हासिल करें जहाँ पे एकेडमिक्स के साथ साथ जो है वो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे भी जो है वो जोर दिया जाता। तो फिर हम देखते हैं कि 80s में जो है, 80s से कुछ पहले ये चेंज आया कि सोसाइटी में पब्लिक स्कूल सेक्टर आ गया, गवर्नमेंट ने उसे सपोर्ट किया और आज हर डिवीजन लेवल पे एक पब्लिक स्कूल है। मैं ये नहीं कहता कि वो सारे स्कूल्स जो हैं वो ईटन एंड हैरो वाले हैं बन चुके हैं, लेकिन ये है कि एक कल्चर जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। तो उस वजह से हम देखते हैं कि जब बच्चों को मेरा ये यकीन है, ईमान है कि जो बच्चों की 60% मोर देन 60% जो एजुकेशन है वो ग्राउंड्स में होती है, क्लासरूम के बाहर होती है। जहां पे आपने उस शख्सियत को बनाना है, मैं शायद गलत कह रहा हूँ लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है। मुझे वो लोग जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बोर्ड में बड़े बड़े मेडल्स लेते हुए दिखाई दिए, जिंदगी की दौड़ में मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दी। तो उसकी वजह ये थी कि सिर्फ किताब और रट्टा और क्रैमिंग, ठीक है, इससे जिंदगी में जिंदगी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो जिंदगी का मुकाबला करने के लिए कुछ और टूल्स की जरूरत है, वो है शख्सियत साजी, जहाँ पे आपको जो है कॉन्फिडेंस भी देना है, आपका टेम्परामेंट भी जो है, कुव्वत बर्दाश्त जिसे आप कहते हैं, ठीक है, बात करने का सलीका है, दुनिया को फेस करने का तरीका है, ठीक है। वहां पे डिग्री फिर पीछे चली जाती है, वहां पे ग्रेड्स पीछे चले जाते हैं, वहां पे नंबर्स पीछे चले जाते हैं, पर्सनैलिटी आगे आ जाती है और ये वही चीज है जिसके जरिए आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा सर, मेरा एक बड़ा सवाल है और ये मैं बीइंग आपके स्टूडेंट भी मैं आपसे करना चाहूंगा कि जहां बहुत सारी तब्दीलियां एजुकेशन और एजुकेशन स्कूलों और कॉलेजों में आई हैं, वहां हमारी कौमी जबान उर्दू से हमारी दूरी जो है वो कुछ बढ़ गई है, ठीक। मैं कोई अर्ज नहीं कि कुछ अरसे बाद उर्दू को हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी पैदा हो जाएं जो उर्दू को एन से लिखने में भी कोई आर महसूस ना करें, ये वक्त करीब है।
तो आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, क्या ये वक्त की रिक्वायरमेंट है कि हम अंग्रेजी से बहुत ज्यादा हो गए हैं, करीब हो गए हैं? आप बीइंग एन एक्सपर्ट, आई थिंक यू कैन टेल। बेटा ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखिए ये मेरी ना अपने एमए जब मैं कर रहा था उस दौर की मेरी ये छोटी सी रिसर्च है। अब तो हर आदमी के इल्म में, आपके भी इल्म में होगा कि देखें दुनिया में जितनी तरक्की याफ्ता कौमें हैं अगर आप उनका बगौर मुताला करें तो आपके सामने एक बात आएगी कि उन्होंने किसी अजनबी या दरामद शुदा जबान में तरक्की नहीं की। उन्होंने दुनिया के तमाम उलूम व फनून को, ठीक है, साइंसी उलूम को और दीगर उलूम को अपनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया और फिर उनको फैला दिया अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने लोगों में उन्होंने फैलाया ताकि वो अबलाग जो है फिर उसका हुआ और वहां पे बड़े बड़े आप देखें साइंटिस्ट भी पैदा हुए, उन कौमों ने तरक्की भी की और वो कौमें जो है पसमांदा से तरक्की याफ्ता की दौड़ में जो है वो शामिल हुई। आज हमारा जो 80%, वैसे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कई सतहें हैं एजुकेशन की, हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम है, हमारे मदरसे हैं, फिर हमारी ये जो पब्लिक स्कूल केडर है, फिर इंग्लिश मीडियम है, फिर उर्दू मीडियम है, फिर इस लैंग्वेजेस पे हमारे जो इख्तलाफात हैं और हमारी इलाकाई लैंग्वेजेस के बारे में जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, तो हम किसी एक जबान के हो ही नहीं पाए। तो मैं इंडिया गया, वहां पे मैंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने अपनी जो है वो स्कूलों में और कॉलेजेस में जो उन्होंने तालीम और तरबियत की जुबान है वो इंग्लिश कर दी है। ठीक है, आप एक डिसीजन लें, वो पूरी सोसाइटी और पूरी नेशन जो है एक जबान में वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके है, और वो ग्रो कर रहे हैं। हमारे यहाँ 70 साल गुजरने के बाद भी हम फैसला ना कर पाए कि जी हमने किस जबान में। तो मेरा तो ये ख्याल है, मैं तो सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैंने हमने उर्दू इकबालियात किया है, इस पे रिसर्च की है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस मुल्क को तरक्की याफ्ता कौमों में अपनी कौम को शामिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी जबान की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं भी आना चाहते तो फिर आप डुअल सिस्टम ना करें, तो फिर आप चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे प्राइवेट सेक्टर है, फिर वहां पे आप अगर इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं तो इंग्लिश को आप लगा दें, आप उसको जो है मेरा सर एक रिलेटेड क्वेश्चन है, कथा कलामी माफ, मेरा एक रिलेटेड क्वेश्चन है, हर गवर्नमेंट आके इस पे बहुत ज्यादा बोलती भी है, मैं इस पे अपने वाले साहब से भी बहुत बहस करता हूँ। मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे हमारा एज अ नेशन और एज अ माशरा जो चीज का फुकदान है वो एक यकसा तालीमी निजाम है। मैं ये देखता हूँ कि एक तरफ ऐसे एक्सट्रीम स्कूल जबरदस्त किस्म की फैसिलिटीज के साथ हैं कि जहां ऑनलाइन सेशंस और ये सारा कुछ, और एक तरफ अभी भी ऐसे सरकारी स्कूल या मैं प्राइवेट स्कूल में भी ऐसी बात करूंगा, तो दो तबके हमारे यहाँ बन रहे हैं। सर आप एग्री करते हैं? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अभी आप देख लें कि यही जो आज का हमारा टॉपिक भी था ट्रांसफॉर्मेशन का, अब आप देख लें कि पाकिस्तान में आपके पास अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में 1/3 लोगों के पास ब्रॉडबैंड है, बाकी जो है इससे उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है। आप ऑनलाइन टीचिंग, वर्चुअल टीचिंग की तरफ जा रहे हैं, आप कितने लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो यही हाल हमारे यहाँ एजुकेशन का है कि एक तबका है जो ओ लेवल्स कर रहा है, ए लेवल्स कर रहा है, एक तबका है जो पब्लिक स्कूल केडर में और मुल्क के अच्छे इदारों में तालीम हासिल कर रहा है, एक वो तबका है जो गवर्नमेंट सेक्टर से आ रहा है। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में दौड़ में इकट्ठे होते हैं सामने, तो फिर आप देख लें कि कौन पीछे रहेगा और कौन आगे निकलेगा, इसमें तो कोई शक भी नहीं। तो इस चीज को मैं, दावे तो हमेशा किए गए, सियासी दावे भी किए जाते रहे हैं और हर सतह पे ये कहा जाता रहा है कि यकसा निजामे तालीम होना चाहिए, हम पाकिस्तानी हैं, सबका हक है और सबको एक यकसा तालीम के मौके मिलने चाहिए, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। और आप सोसाइटी को जो है डुअल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में डिवाइड ना करें, हमारी तो पहले बड़ी तकसीम है, कहीं लैंग्वेजेस की बुनियाद पे और कहीं इलाके की बुनियाद पे और कहीं फिरके की बुनियाद पे, तो हम तो पहले ही बहुत तकसीम हो चुके हैं, इसको मजीद तकसीम करने की जरूरत नहीं है।
आप यकसा तालीम का निज़ाम नाफिज करें ताकि ये तफरीक भी खत्म हो जाए सोसाइटी में बाहर। सही। अच्छा सर, बड़ा एक अहम सवाल रिलेटेड मैं आपसे करना चाहूंगा, और ये शायद 1 जनवरी 1989 से लेकर आज माशाल्लाह से, मतलब मैं अगर कहूं भी तो मुझे वो होता है कि 30-31 साल का सफर जो है, मुझे आप ये बताइए, आपने हजारों सैकड़ों तालिबे इल्म आपके सामने से गुजरे और बड़ी बड़ी पोजीशंस पे रहे, कुछ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स रहे, डॉक्टर्स रहे, इंजीनियर्स रहे, एंटरप्रेन्योर्स रहे, मुझे आज कुछ वो एक नुस्खा तो बताएं जो आपने उस जमाने में कुछ स्टूडेंट्स को देखते थे, कहते थे हाँ ये जो है ना ये कुछ करेगा, और बाद में आपकी प्रेडिक्शन ठीक होती हो, तो आपने क्या वो नुस्खा देखा था कि हम भी अपने बच्चों में ये ट्रांसफॉर्म कर सके? बिल्कुल सही कहा बेटा। मैं एक्चुअली देखें, माँ बाप और टीचर, ये दो वो अल्लाह ताला ने रिश्ते जो है पैदा किए हैं जिनके सामने आप ग्रो कर रहे होते हैं। ऐसे ही आपका बचपन, आपका एटीट्यूड, आपका कंडक्ट, आपका इंटरेस्ट, आपका टेम्परामेंट, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है माँ बाप देख रहे होते हैं या हम टीचर्स देख रहे होते हैं, तो इन्हीं चीजें से अंदाजा, इन्हीं चीजों को देख के हम कहते हैं कि जी हमारे बच्चे जो हैं ये कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक पहुंचेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि लाइफ में जो अहम चीज है आगे बढ़ने के लिए, इदारों को भी इस बारे में सोचना चाहिए, वो है डिसिप्लिन। अगर आप अपने घरों में, अपने इदारों में एक डिसिप्लिन जो है उसको इनकलकेट कर लेते हैं, तो फिर बच्चे कभी आउट ऑफ ट्रैक नहीं होते। सही। तो वो अपने ट्रैक पे रहते हैं, और जैसे देखें आपने सुना होगा कि दुनिया की सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज पे है। ह्यूमन रिसोर्स सबसे सेफेस्ट, छोटी सी मिसाल मैं, पेरेंट्स मेरे पास आते हैं उनको भी कहता हूँ कि एक बच्चा है अगर आपने उसको प्रॉपरली ग्रूम नहीं किया, उस पे अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, उसकी एजुकेशन पे आपने तवज्जो नहीं दी, आप बेशक कितने ही दौलतमंद क्यों ना हो, कितने बड़े ही जिम्मेदार क्यों ना हो, और आपके बैंक अकाउंट्स कितने ही भरे हुए क्यों ना हो, जब आप चले जाते हैं तो वो दौलत जो है वो जाया की जाती है, ठीक है, उस दौलत को जो है वो बस इतना ही काफी है कि जाया की जाती है उन बच्चों की तरफ से जिन बच्चों को आपने सही तरह ग्रूम नहीं किया होता। लेकिन वो बच्चे जिन पे आप ये पैसा, अपना वक्त और अपनी तवज्जो इन्वेस्ट करते हैं और उनको ग्रूम करते हैं, तो वो ना सिर्फ आपकी इज्जत और वकार में इजाफे का बायस बनते हैं बल्कि वो अपने लिए और सोसाइटी के लिए खुद जनरेट करते हैं। तो ये फर्क है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर हम इन चीजों को सीरियसली लें और इन पे गौर करें तो सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है माशाल्लाह। अच्छा सर, ये आपने और यकीनन आपने ये सारी खसूसियात स्कूल के साथ साथ यानी कि फैमिली के अंदर डिसिप्लिन लाए वो आपने देखी। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे भी मौजूद है, अब जरा टीचर्स की तरफ आ जाते हैं। मतलब बहुत उसके साथ हम सारे प्रोडक्ट हैं अच्छे साझा की, आपके हाथों हजारों ऐसे टीचर्स भी हैं जिनकी ट्रेनिंग हुई, आपने बेशुमार टीचर ट्रेनिंग्स के कोर्सेज कराए होंगे, लोगों को देखा होगा, आजकल की रिक्वायरमेंट या ओवरऑल एक अच्छे टीचर की क्या खसूसियात होती है, एक उस्ताद की, अच्छे उस्ताद की क्या खसूसियात होती है? बेटा सबसे पहली बात तो सिंसेरिटी है ना, सिंसेरिटी एंड डेडिकेशन। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा हुआ, ये यानी एक हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, हमारी सोसाइटी में ऐसा हुआ कि जिसको कहीं जॉब नहीं मिलती वो टीचिंग में फिर आ जाता, लीस्ट प्रायोरिटी है ना, ऐसा ही कहता है ना, ऐसे ही है। तो वो लोग जो अपना, जिनके दिल में ये ख्वाहिश है कि वो टीचर बने और वो मुल्क कौम की खिदमत करें, तो एक तो ये है कि सिंसेरिटी होनी चाहिए। दूसरी मैं ये समझता हूं कि सबसे अहम चीज ये है कि आज कल मैंने देखा है लोगों को, गवर्नमेंट सेक्टर में भी मैंने देखा है कि अपनी स्किल को पॉलिश करने वक्त के साथ, अब 30 साल का एक लंबा टेन्योर है मेरा, ठीक है, तो एजुकेशन अब वही 89 वाली मौजूद नहीं है, अब वक्त बहुत आगे निकल गया है, हालात और हो गए, और मेरी जनरेशन ने तो आपने देख लें कि एक बड़ा, बहुत बड़ा इंकलाब देखा है,
हमारे यहाँ तो वो आप देख लें कि हम डिजिटल उसमें एज में आ गए हैं, जंप इन हो गए हैं, तो हमने तो जिंदगी की बहुत बड़ी चेंजेस हमने देखी हैं। तो टीचर को अपने आप को वक्त के लिहाज से जो है ग्रूम करना चाहिए, पॉलिश करना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये है एटीट्यूड जो है वो बड़ा मैटर करता है कि आप जो है उस मटीरियलिज्म का शिकार ना हो, आप जो है इसको एक नेकी समझ के, एक जिंदगी का मकसद समझ के जो है वो इख्तियार करें, तो फिर आप देख लेंगे कि बहुत बड़ा चेंज आपको नजर आएगा। अच्छा सर, उस्ताद का रिलेशनशिप और उसके साथ साथ मेरा एक थोड़ा सा आपसे सवाल आजकल के सिनेरियो में, बिकॉज इस इवॉल्व के प्लेटफॉर्म से वी हैव लॉट्स ऑफ फॉलोअर्स जो आपकी बातों को सुनेंगे भी और देखेंगे भी। सही, वालदैन का बड़ा एक अहम किरदार है स्कूलों के साथ साथ इस एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन में अपने बच्चों को साथ देने का। आपके नजदीक एक अच्छे इदारे में बच्चे को पढ़ा देना ही काफी है या कोई खास किस्म की ग्रूमिंग ट्रेनिंग घरों से भी रिक्वायर्ड होती है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, इदारे यकीनन मैं समझता हूं कि बच्चों के प्रैक्टिकल लाइफ में उनके पीछे खड़े होते हैं, ठीक है, क्योंकि इदारों का एक बड़ा रोल है माँ बाप की गोद की, माँ की गोद की तरह और घर के इंस्टीट्यूशन की तरह, तो इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन असल में वो इदारे और उनके उन इदारों की बिल्डिंग्स और इमारतें उतना मैटर नहीं करती जितना उसमें जो लोग हैं वो मैटर करते हैं, ठीक है। बिल्डिंग्स आप बहुत बड़ी बना दें, ठीक है, और बहुत खूबसूरत बना दें, बड़ी कुशादा बना दें, बड़ी लेविश बना दें, लेकिन जब उसके अंदर टीचर्स जो हैं अगर वो सिंसियर नहीं हैं, डेडिकेटेड नहीं हैं, वक्त के और हालात के मुताबिक वो बने हुए और कढ़े हुए और जहांदीदा नहीं हैं और वो मुस्तकबिल को नहीं देख रहे, तो वो फिर आपको क्या दे सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वालदैन को तो उनका तो एक बहुत बड़ा एक किरदार है कि हमारे यहाँ ये है, लोगों में ट्रेंड है, लोग इस आमतौर पर मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि उनका एटीट्यूड इस तरह का होता है कि बस दाखिल करवा दिया तो बस समझा कि अब काम खत्म हो गया। असल में काम तो उसी दिन से शुरू होता है, अगर आप बच्चे को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसको वॉच नहीं कर रहे हैं, उसको आप उसकी एजुकेशन को नहीं देख रहे हैं, अगर आप बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं, उसको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और इसी तरह स्कूल में या कॉलेज में अगर आप एज अ पेरेंट आपका रब्ता नहीं है तो फिर आप अपने साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं और उस बच्चे के साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। क्योंकि ये ठीक है बड़े इदारों का बड़ा रोल होता है, लेकिन उसमें पेरेंट्स का और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, और इन्होंने मिल के आगे चलना है तो फिर दानियाल सिद्दीकी ने दुनिया के सामने आना है, ठीक है। अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो फिर बच्चे I totally agree with that, sir. अच्छा सर, मैं फिर थोड़ा सा वो होते हुए मुल्तान पब्लिक स्कूल की तरफ वापस जरूर आऊंगा। आज जो है वो खास तौर पे मैंने अपना कुछ सुनहरी दौर याद करने के लिए ना ये एक जिसको मैंने फ्रेम कराया हुआ है, ये मेरी यादें हैं which I have done and that is जो हमें बैच मिलता था किसी जमाने में और वो भी मेरे पास मेरी फैमिली ने, मेरे अब दोनों बेटे जो हैं वो इसको देखते हैं एंड देन वी ट्राई एंड रिकॉल दिस दीज मेमोरीज। ये जो चीजें हैं जो रिवायात हैं किसी भी इदारे की, मुल्तान पब्लिक स्कूल को मुझे याद कराए सर कुछ, क्योंकि हम भी वो पुराना वक्त याद करते हैं एंड वी ट्राई एंड रिकॉल। आपके हजारों स्टूडेंट्स आपकी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, बाद में देखेंगे भी सही जब हम इसको पब्लिश डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे करेंगे। अभी भी क्या स्टूडेंट्स वापस आते हैं, मेमोरीज रिकॉल होती हैं, उसी तरह से वो सारा कुछ होता है जो हमारे जमाने में होता था, रिवायात मौजूद है? जी बिल्कुल बिल्कुल मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो सेश आपने दिखाई है अभी भी हेड बॉयज को यही दी जाती है, अवार्ड की जाती है और बकायदा एक सेरेमनी होती है। अब तो हम पेरेंट्स को भी इन्वाइट करते हैं इस सेरेमनी में और ये मैं समझता हूँ कि लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट है ये जो आपने हासिल की और आपने फ्रेम करा के रखी हुई है,
और ऑनर बोर्ड पे जो है वो नाम लिखे जाते हैं माशाल्लाह बच्चों के। तो ये चीजें जो है ये यही ग्रूमिंग का हिस्सा है ना, यही लीडरशिप क्वालिटी इसी तरह पैदा होती है ना, इसी से ही कॉन्फिडेंस होता। मैं सर इसी तरह आ रहा था कि आपने डिफरेंट प्रिंसिपल्स के साथ काम किया, आप खुद लीडरशिप रोल में बहुत अरसे तक रहे, अभी भी हैं, और एज अ वाइस प्रिंसिपल एकेडमिक्स यकीनन इंपॉर्टेंट डिसीजंस में इन्वॉल्व हैं, जो वर्किंग देखते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मैं स्क्रीन पे कुछ स्कूल की पिक्चर्स भी देख रहा हूँ, बच्चे जो है वो एक मुख्तलिफ करिकुलर एक्टिविटीज में बचपन से शामिल है। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब हमारे कुछ क्लास फेलोज के बच्चे जिनके हो गए वो मैं तो क्योंकि अब लाहौर में हूँ, वरना मेरी ख्वाहिश थी कि मिकाइल जो है वो मुल्तान पब्लिक स्कूल जाता, कि मैंने ये देखा कि लोग बच्चे भी अब उनके वहाँ बच्चों के बच्चे भी आ रहे हैं। आपने तो बड़ी जनरेशन देखी होगी सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के बच्चे जो है इधर मेरे पास है, मुख्तलिफ सेक्शन में, जूनियर में है, प्रेप स्कूल में है, सीनियर में भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो मुझे आके मिलते हैं, बल्कि कई दफा मैं अपने ऑफिस में बैठा होता हूँ तो वो जो बच्चे हैं अपने फ्रेंड्स को साथ लेके आते हैं और आके कहते हैं कि ये सर जो हैं ये मेरे दादा हैं, क्यों कि ये मेरे रियली आई एक्सपीरियंस दिस। ठीक है, तो मुझे बड़ी खुशी, मैं उनको बुला के फिर उनके साथ बातचीत करता हूँ, बिठाता हूँ, उन्हें ड्रिंक्स ऑफर करता हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे ये दिन दिखाया कि मेरे अपने स्टूडेंट्स के बच्चे भी जो है ना अब मेरे पास माशाल्लाह मौजूद है। वंडरफुल। अच्छा सर, मैं इस स्कूल में क्योंकि आपने माशाल्लाह सलीमी साहब के साथ भी काम किया, प्रिंसिपल्स को आपको देखा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बहुत सारे हर टीचर लीडरशिप जो रहे हैं उनका बड़ा अहम इस पर फोकस होता था कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ लेके जाए। ये कितने अहम है, ये बड़ा अहम है समझना, आप पेरेंट्स भी आपकी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैसेज वायरल भी होगा आपका, कि ये कितना जरूरी है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर भी जो है वो इन्वॉल्व किया जाए आजकल के बच्चों। जी बेटा, आपने बड़ा अच्छी बात की। देखें, असल एजुकेशन ही मैंने कहा कि ग्राउंड्स में एक्स्ट्रा करिकुलर और करिकुलर एक्टिविटीज में है। पर्सनैलिटी आप वहां पे ग्रूम करते हैं, शख्सियत साजी वहां पे होती है, दुनिया का मुकाबला करने और उस दुनिया की दौड़ में आगे निकलने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। किताबें तो है ही हैं, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन किताबों का किरदार 40% से ज्यादा नहीं है, मोर देन 60% जो है मैं कहता हूँ कि पर्सनैलिटी जो है उसको ग्रूम करना वो जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, एक शानदार जिंदगी गुजारने के लिए, एक पॉजिटिव इंसान जो है वो पैदा करने के लिए। तो ये करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर ही हैं। और मैं इसी चीज, ये जो आपने कुछ देर पहले सवाल किया था कि हमारी प्रोडक्ट जो है पूरी दुनिया में हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं माशाल्लाह, तो उसकी वजह यही है कि हमने इन चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं किया। हमारी ट्रेडिशन जो है वो 85 से या सलीमी साहब के दौर से जो सेट हुई थी वो आज तक चल रही हैं, बल्कि बेहतर हुई हैं। तो उसमें हमने जो है बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस की हैं और अब फैसिलिटीज जो है पहले से कहीं बेहतर हैं। तो हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे, स्पीचेस पे, डिबेट्स पे, ये जो करिकुलर एक्टिविटीज हैं उन पे बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते, और यही वजह है कि माशाल्लाह हमारे बच्चे जो है वो दुनिया में ग्रो कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस लेवल उनका जो है वो बहुत बेहतर है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात होती थी सर कि हमारे जमाने में ट्रिप्स जाते थे, मतलब स्कूलों के या कॉलेजों के ट्रिप्स ज्यादा किसी करीब तरीन जगहों पर जा रहे होते थे। मैंने यहाँ देखा कि एक ऐसा स्कूल था मुल्तान पब्लिक जिसके इंटरनेशनल ट्रिप्स जाते थे, मतलब इंटरनेशनली, और इतना एक्सपोजर होता था उस जमाने में, और डिबेट्स के लिए बाहर जा रहे हैं। मैं तो स्कूल की तरफ से डिबेट्स में तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही फिरा, तो वो डिबेट्स और वो एक्टिविटीज माशाल्लाह से होती थी। आई थिंक दैट दोस वर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रूमिंग ऑफ अ स्टूडेंट। जी बिल्कुल सही आपने कहा, अच्छी बात की। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि जो थोड़ा बहुत मैंने कंट्रीब्यूट किया मुल्तान पब्लिक स्कूल में आके, उसमें ये था कि यहाँ पे डोमेस्टिक और फॉरेन इंटरनेशनल ट्रिप्स की जो ट्रेडिशन है अल्हम्दुलिल्लाह
वो मैंने स्टार्ट की ना, तो उसमें ये है कि डोमेस्टिक में मुझे आज भी याद है कि सबसे पहला टूर जो है मैं वो गिलगित लेके गया था, ये 90 की बात है, और उसके बाद जो सबसे पहला फॉरेन ट्रिप जो है वो श्रीलंका लेके गए, और जो लास्ट टाइम हम गए तो ये दो तीन साल पहले जो है इनको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिप कराया है फॉर ईस्ट में जो है श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, मलेशिया, सिंगापुर 23 डेज का हमने किया। तो ये एजुकेशन, इससे ये लाइफ का एक्सपोजर है जी, इससे बच्चे जो है बड़ा लर्न करते हैं माशाल्लाह, और कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है, और उनको अंदाजा होता है कि दुनिया सिर्फ वो नहीं है जिसमें हम रह रहे हैं और बस रहे हैं, दुनिया इससे मुख्तलिफ है, और दुनिया जो है वो अल्लाह के रंग हैं और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, ट्रेडिशंस हैं, कल्चर है, और यानी वो जाके जब देखते हैं तो उनकी उनके लिए बड़ा एक्सपायर होता है जी। तो अच्छा सर, एक बड़ा अहम सवाल, आप साथ साथ हम जो है वो वी आर आल्सो लुकिंग एट जो पिक्चर्स भी हैं स्कूल की, मैं बड़ा जैसे कहते हैं ना कि आज माजी में गया हूँ, आई एम ट्राइंग टू रिकॉल माय टाइम्स। आजकल के कुछ स्कूल इतने बनते हैं कि जिनके खेलों के मैदान जो हैं वो गालबन किसी घर के लॉन के बराबर होते हैं, और माशाल्लाह से ऐसे स्कूल जिनकी फीसें भी बहुत हाई हैं, लेकिन अगर आप बात करें तो खेलों के मैदान छोटे छोटे। हम काफी हद तक सर, मुझे ऐसे लगता है, और इस बात में मुझे कहते हुए कहीं ना कहीं एक फीलिंग भी आती है, वो भी होता है कि हमारा एजुकेशन का निजाम बड़ा कमर्शियलिज्म का शिकार हो गया। जी दुरुस्त फरमाया, मैं तो उन इदारों को एजुकेशनल, उनका कंट्रीब्यूशन यकीनन है, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स एजुकेशन, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन मैं उनको इंस्टीट्यूशंस तस्लीम नहीं करता, मैं उनको एकेडमीज कहता हूँ कि वहां बच्चे को आप वहां पे उसकी ग्रूमिंग के एक दड़बे में जाके आप बंद कर देते हैं, तो उसका क्या लाइफ का एक्सपोजर होगा और वो उसने क्या सीखना है जिंदगी से। मैं अब आपको दिलचस्प अपना एक्सपीरियंस एक छोटा सा शेयर करूं। हमारे यहाँ ओ लेवल्स तक ना, मेरे बेटे ने, बड़े बेटे ने ओ लेवल्स किया मुल्तान पब्लिक स्कूल से, तो ये दीगर जो इदारे हैं शहर के बड़े बड़े, उसमें हर जगह मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त संगी साथी मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा कि अली को हमारे पास ले गया रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस ने, तो मैंने जाके बेटे को लासाल में दाखिल करा दिया। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि यार लासाल में दाखिल करा दिया, मैंने कहा कि वो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है, मुल्तान पब्लिक स्कूल के बाद जो अगर कोई इदारा है तो फिर वो लासाल है, क्योंकि कंप्लीट एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है, ग्राउंड्स हैं उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास जो है पब्लिक स्कूल लाइफ है, तो क्योंकि इदारे बच्चों की जिंदगी में रोल प्ले करते हैं, तो मैंने किसी कोठी पब्लिक स्कूल में जाके दाखिल नहीं किया। तो उसकी वजह यही है कि आज जो छोटी छोटी जगहों पे चार चार मंजिला इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, वो अकेडमीज तो कह सकते हैं उन्हें, तो उन्हें इदारे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां पे बच्चों को प्रॉपर ग्रूम होने के मौके मयसर नहीं है बिल्कुल। और इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, अब जहां तक मुझे याद है, हॉर्स राइडिंग हो गई, डिफरेंट किस्म की जो एक्टिविटीज हो गई जो एक स्टूडेंट की ग्रूमिंग में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, वो अगर आप देखें तो अब तकरीबन ना होने के बराबर हो गई इन कमर्शियल इदारों में। जी बिल्कुल, ना होने के बराबर है, और बस ये है कि हम वो उनको रट्टू तोते बना रहे हैं, और यही वजह है कि हमारी प्रोडक्ट और हमारी मुल्की और कौमी तरक्की की रफ्तार वो नहीं है जो होनी चाहिए। अच्छा सर, मैं क्योंकि वी आर कमिंग टू वर्ड्स अ कंक्लूजन, आखिरी 10 मिनट है, मैं आपसे कुछ बड़े अहम सवालों पर डिस्कशन करना चाहता हूँ, काफी चुपते हुए सवाल है। मैं बाहर के मौसले में रहा, मैंने गोरों को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया, और मैंने ये देखा कि वहां के मौसले की तरक्की में एक बहुत अहम किरदार ये भी है कि वहां आप एक उस्ताद हैं, आप इंजीनियर हैं, आप कोई डॉक्टर हैं, आप आर्मी से ताल्लुक रखते हैं, इन सारों में बराबरी नहीं है, और उस्ताद की हैसियत ज्यादा है। ये बड़ी एक अहम बात ही मैंने देखा कि उस्ताद की कदर अहमियत हमारे यहाँ भी मौजूद है,
लेकिन इसकी कदर का एहसास जो है वो माशी तौर पे क्यों नहीं होता। हमारा एक उस्ताद है जो बमुश्किल गुजारा कर पाता है, यानी कि वो प्रोफेशन को क्यों प्रायोरिटी के तौर पे ले आजकल के सिनेरियो में, जो न्यू एंट्रेंट्स हैं वो क्यों बेचारे टीचिंग के प्रोफेशन को अपना प्रेफरेंस बनाए, जबकि अगर अगर आपने जिस तनख्वाह में गुजारा करना है वो एक न्यू एंट्रेंट के लिए वो नहीं है क्योंकि जो किसी और प्रोफेशन में होगी। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। किसी ने ना मुझे काफी अरसे की बात है, बल्कि मैंने कहीं पढ़ा कि जो अमेरिका में जो सेंट्रल सर्विसेज की पहली 10 या 20 सीट्स हैं वो एजुकेशन की होती है। हमारे यहाँ यहाँ पे कस्टम्स में जाना पसंद करते हैं और दीगर इदारों में जाना पसंद करते हैं पब्लिक सर्विस करके। तो उसकी वजह यही है, जब आपकी सोसाइटी में उस्ताद को उसका जायज मकाम मिल जाएगा आपकी कौम तरक्की कर जाएगी। आपने आपने उस्ताद को हर लिहाज से जो है सोसाइटी के निचले दर्जे पे प्लेस किया होगा, तो उसी वजह से हमारी जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें आप देख लें कि बहुत सारी खामियां पैदा हो रही हैं, बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। हमारी क्रीम जो है, हमारे टैलेंटेड और डेडिकेटेड लोग जो हैं, इस जो प्रेशर है फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से वो इस शोबे को ज्वाइन नहीं करते, वो कहीं और निकल जाते हैं। तो हमारे पास जो है वो फिर वो लेवल नहीं रहता जो एक टीचिंग का लेवल और फैकल्टी का लेवल होना चाहिए। तो जिस दिन हमने इस बारे में सोचा और इसको हल करने की कोशिश की, उस दिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये कौम बहुत आगे निकल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक बड़ा रिलेटेड क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। मैंने आपसे शुरू में भी ये सवाल किया था कि आप तो उस्ताद तो एक जौहरी होता है ना, वो देख के बता देता है कि ये स्टूडेंट कैसे जाएगा। आपकी प्रिडिक्शन भी होती थी? आप, मैं बड़ा क्यूरियस हूँ कि उस्ताद को तो सब पता होता है, वो क्लास में देखता था, उसको चंद स्टूडेंट्स नजर आते थे, कि ये आप प्रेडिक्ट करने की पोजीशन में होते थे कि, और वो कभी प्रेडिक्शन आपने कैच की कि हाँ यार ये मैच कर गई मेरी प्रेडिक्शन थी क्या? मतलब जिसको अगर मैं आम अल्फाज में कहूँ कि क्या उस जमातों में, अर्ली मैट्रिक तक की जमातों में आपको नजर आ जाता था उस्ताद को कि कौन किस तरह का होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में मैं प्रिडिक्ट किया, उनको कहा कि कभी कभी क्लासेस में भी कहा, इनकरेज करने के लिए भी इंसान कहता है, एक पोटेंशियल को देख के भी कहता है। तो वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सच साबित हुआ, और मोस्टली जो बच्चे थे वो माशाल्लाह मेरी उम्मीदों और उमंगों पे पूरे उतरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो एक उसकी एक जिंदा मिसाल है, ठीक है नहीं सर, आप माशाल्लाह। नहीं, हम तो फैजाब के लगाए हुए पौधे हैं। मेरा, अच्छा मैं क्वेश्चन वो आपसे पूछना चाहूंगा, और है बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म का सवाल। आजकल एक सेंटेंस बोला जाता है, मार नहीं प्यार, बड़े ऐसे का बोला जा रहा है सर। अच्छा, हम अपना वक्त याद करें, मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूं। मैं बहुत सारी मारों की भी पैदावार, ठीक है, सही करने के लिए, इसलाह के लिए, वो प्यार से, वो चीजों से। और अब उस्ताद, ठीक है, ये बड़ा, इसका एक बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए जवाब देना भी, लेकिन ये कि कुछ चीजें, एक एजुकेशन के हिस्सा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का हिस्सा होती थी। तो आपके ख्याल में क्या ये नई स्ट्रेटजी ठीक है, या वक्त के साथ आ गई है, क्या सिलसिला? बेटा बैलेंस करने की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कि कुछ बहुत सीरियस वायलेशंस जो है ना टीचर्स की तरफ से भी हुई है, और यानी हद से गुजर जाना, तो किसी भी काम में अगर जब आप हद से आगे जाते हैं तो वो ठीक नहीं है। तो उन्हीं उन्हीं वाकयात की वजह से, इंसिडेंट्स की वजह से जो है वो गवर्नमेंट भी मजबूर हो गई कि जी वो सारा दहशत की अलामत ना बने आप, ठीक है। बाकी माँ बाप के पास और टीचर्स के पास ये हक जरूर होना चाहिए कि वो अपने बच्चे की बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उसकी बेहतर ग्रूमिंग के लिए, ठीक है, कोई हल्का फुल्का जजा और सजा का जो निजाम है उसको राइज करे। ये तो यूनिवर्सल है। अल्लाह ताला ने आपको जन्नत और दोजख का तसव्वुर पेश किया और जजा और सजा का तसव्वुर पेश किया, ये तो एक जिंदा हकीकत है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन बैलेंस की जरूरत है। मैं ये समझता हूं कि हम
टीचर कम्युनिटी को ये सोचना चाहिए कि हमने वायलेशन की और हद से आगे निकल गया, जिसकी वजह से फिर वो हुआ। अच्छा सर, कमर्शियलिज्म की बात हुई, कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट 5 मिनट्स ऑफ द डिस्कशन, एक आजकल एक बहुत बात की जा रही है कि एजुकेशन को 18 अमेंडमेंट के बाद श्रद्धा डिफरेंट बनी, एजुकेशन हमेशा से मुख्तलिफ किस्म के हिस्सों में डिवाइड रही, मैं सरकार की भी बात कर रहा हूँ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पे कहा गया कि एजुकेशन के इदारों के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होनी चाहिए, सरमायाकार रहे, वो इन्वेस्ट करें। आप ये समझते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट ठीक है? इसको करने से, प्राइवेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को लाने से, मैं थोड़ा सा क्योंकि मुल्तान के कॉन्टेक्स्ट से बिगर कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहा हूँ, डू यू थिंक के प्राइवेटाइजेशन में जहाँ थोड़ा बहुत एलिमेंट कमर्शियलिज्म का एक बेहतर अंदाज में होगा, सरमाया आएगा, बेहतर फैसिलिटीज होंगी, वुड बी द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन? देखिए, बात यह है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, आपने एजुकेशन देनी है, आपने 22 करोड़ की 23 करोड़ की आबादी है, आपने क्वालिटी एजुकेशन देनी है, आपने प्राइवेट सेक्टर को अगर उसमें इन्वॉल्व किया है तो वेलकम, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर ये तजर्बा आपने ये करना है कि पहले से चलते हुए गवर्नमेंट सेक्टर के इदारों को जो है वो इस पार्टनरशिप में दे के और वो करना है, तो ऐसा ना करें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो नया करें ना, उससे इदारों में भी इजाफा हो और लोग उससे बेनिफिट भी ले सकें, एक यानी मुल्क में कोई डेवलपमेंट भी हो। पहले से मौजूद इदारे जो हैं आप उनकी जो है शक्ल सूरत और कॉस्मेटिक्स करके तो वो चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं, ये मैं इस तो समझता हूँ कि ये बेहतर नहीं है। बहरहाल ये जरूर है कि प्राइवेट सेक्टर को जरूर आना चाहिए आगे, अच्छे इदारे कायम होने चाहिए मुल्क में, रिसर्च सेंटर्स बनने चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, हमने भी आगे निकलना है, लेकिन इससे जरा हट के जो गवर्नमेंट के पहले से इदारे मौजूद हैं उनकी शक्ल सूरत तब्दील करने की इस हवाले से जरूरत नहीं है, उनको खुद गवर्नमेंट को चाहिए बेहतर करें। सर, कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट, आपके सैकड़ों हजारों तालिब इल्म जो हैं वो मौजूद हैं, मुझे सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आपके तवसत से ये सवाल पहुंचे कि लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए मेरा अपना ख्याल है कि एमपी सोनिया उसको वापस आना चाहिए अपने इदारे में, और क्या जब हम कभी आए तो हम, मुझे बहुत सारे दोस्त मिलते हैं वो कहते हैं आप पता नहीं वहां कोई हमें बुलाएगा, वेलकम करेगा, नहीं करेगा, जरा थोड़ा सा इस मामले को दुरुस्त करें सर। बेटा, मैं तो हमेशा कहा और जब तक जिंदगी है या मेरी मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे पास कभी भी कोई मेरा ओल्ड स्टूडेंट आया तो उसको अगर ड्यू प्रोटोकॉल नहीं मिला तो फिर मैं जवाब दे। मैंने हमेशा बच्चों को इनवाइट भी किया, ठीक है, बच्चों को बुलाया भी सही, क्योंकि ये आपका इदारा है, आप ही इसका हुस्न है, ठीक है, आप ही मोटिवेशन है, ठीक। आप अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप नहीं आएंगे, ठीक है, तो दूसरे जो इस वक्त हमारे पास स्टूडेंट्स हैं या आपके जूनियर्स जो हैं उनके लिए ये बड़ा एक मोटिवेशन का सबब बनता है और इसमें हम खुद जो है इसमें फख्र महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे आए हैं। तो हमारी मौजूदा प्रिंसिपल जो है मैडम समीना खान, उन्होंने ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन भी बनाई है और उसका पहला जो है एलुमनाई का एक बहुत बड़ा फंक्शन भी हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शानदार फंक्शन था और बड़ी दूर दूर से लोग उसमें आए। हमने कोई उसमें 300 तक, हमारी 350 तक गैदरिंग हुई थी। तो इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। आप और मुझे, मैं ये फील करता हूँ कि मुझे उसमें होना चाहिए था लेकिन मैं क्लैरिटी दे दूं कि मैं मुल्क से बाहर था, मैं उस वजह से उसमें शामिल नहीं हो सका। अच्छा सर, कुछ सवाल हैं, मैंने कुछ पिक किए हैं क्वेश्चंस आपसे करने के लिए। काशिफ असलम ने आखिर में, मैं आपके स्टूडेंट होंगे, वो कह रहे हैं कि सर व्हाट डू यू एडवाइस अस As parents, how do we brought up our kids? The crux of your experience. अब आपके शागिर्द आपसे पूछने हैं कि जी बच्चों को कैसे बड़ा किया जाए? जी, बच्चों को जो है उनके साथ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत जरूरी है, प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है डेवलप करनी चाहिए और माँ बाप को जो है एक दोस्त की हैसियत से उनके साथ बैठ के जो है वो बात करनी चाहिए, उनका फ्यूचर के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में, उनके कंसर्न के को जो है सुनना चाहिए, उनकी लाइफ के जो कंसर्न है, उनके फ्यूचर के कंसर्न है उनको सुनना चाहिए, उसको सीरियसली एड्रेस करना चाहिए। सबसे अहम चीज ये है।
और जब हम एज अ पेरेंट जो है फासला पैदा कर लेते हैं अपने बच्चों से, तो फिर जो है वो हमारी हालात, हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नतायज जो है वो नहीं आते, और बच्चे भी जो है वो उसमें कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। तो मेरा सबसे बुनियादी चीज ये है कि कम्युनिकेशन जो है वो बच्चों के साथ आप करें और फिर उनको सुपरवाइज करें प्रॉपरली ना, तो और उनको इदारों में दाखिल करा के खुद पीछे ना हट जाएं, बल्कि अपना रोल प्ले करें, टाइम दें अपने बच्चों को, इंशाल्लाह आप देखेंगे। अच्छा सर, ये आपने एलुमनाई गैदरिंग्स की बात की, ये यकीनन एक बड़ा अहम है, और मैं, मेरा ख्याल है कि ऑल द पीपल विल फॉलो इट और वार फॉलोइंग वुड रिकॉल दिस। अच्छा सर, कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट, आप उस्ताद की हैसियत से मैं कहना चाहूंगा कि हम जितना भी शुक्रिया अदा करें, कंट्रीब्यूट करें स्कूल के लिए, वो कम है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट, आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एमपी सोनियन फॉर अ सर्टेन बैच, हो सकता है कि मैं उन लोगों से अभी भी इस तरह से कनेक्टेड हूँ। हम क्या कर सकते हैं स्कूल के लिए, अपने इदारे के लिए, जो जिस अंदाज में हम अब कुछ कंट्रीब्यूट बैक कर सके? ये मैं बड़ी क्लैरिटी से इसलिए पूछना चाहूंगा, बहुत से ओहदों पे हैं, बहुत सारी पोजीशंस पे लोग मौजूद हैं, अपने इदारे के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्या करें? देखिए, बात ये है कि ये बहुत अच्छी आपने बात की, आपका इदारे में आना, अपना कंसर्न शो करना, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैं समझता हूँ। बाकी आपका इदारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से अल्लाह ताला ने, अल्लाह का करम है, वसायल के हवाले से भी अल्लाह की मेहरबानी है। आप कनेक्ट रहें अपने इदारे के साथ और अपने जिस जिस शोबे में भी हैं उस शोबे के हवाले से, अपने मशवरों के हवाले से जो है अपने स्कूल को आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो मैं ये समझता हूँ कि अपने इदारे के बारे में कंसर्न और कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, माशाल्लाह आपका आना एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरा, बल्कि सर मैं इस तवज्जो से आपको ये भी कहना चाहूंगा कि मेरा अपना एक ख्याल है, और मैं ऑन बिहाफ ऑफ कुछ एमपी सोनियन से कह सकता हूँ बड़े कॉन्फिडेंटली कि अगर हम कोई और ये एक सजेशन भी है कि अगर हम स्कूल के अंदर कोई एक ऐसा स्कॉलरशिप फंड कायम करें कि जो एमपी सोनियंस की तरफ से रन करे, और मैं बड़े उससे कह रहा हूँ कि आई वुड लाइक कि हम कुछ स्टूडेंट्स जो अभी अच्छी पोजीशंस में हैं शायद वो इसको लेके चले, और मेरा अपना ख्याल है कि ये कैसा कॉन्सेप्ट हो सकता है कि कोई कोई स्कॉलरशिप का फंड बनाया जाए जिससे हमेशा उस एमपी सोनियन कुछ अच्छे बच्चे आ सके, आप उनको सेलेक्ट करें। तो मेरी एक सजेशन होगी, और मेरा अपना ख्याल है कि अगर ऐसा किया जाए तो इट कुड बी अ गुड कंट्रीब्यूशन। सर जी, बिल्कुल सही आपने कहा, मुझे ये एक्सपीरियंस जो है फर्स्ट टाइम सादिक पब्लिक स्कूल में हुआ था, मेरी कुछ वहाँ पे ग्रूमिंग हुई, तो वहाँ पे जो उनके ओल्ड स्टूडेंट्स थे, इवन कि मैं एचएसएम कॉलेज गया, वहाँ पे मेरा 3 डेज स्टे था, तो हमारा एक ऑफिशियल विजिट था, उसमें भी मैंने देखा कि उन्होंने मेडल्स अनाउंस किए हुए थे बच्चों के लिए, ब्रिलियंट जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ये एक बड़ी इससे इंकरेजमेंट बच्चों को मिलती है, ठीक है, कि अगर ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन एलुमनाई की तरफ से कोई इस तरह की इनक्रेजमेंट के लिए कुछ किया जाए, तो आपने बड़ा अच्छी बात की है, तो यकीनन इसमें चले। मेरा ख्याल है कि लॉट्स ऑफ, अभी मैं स्क्रीन पे देख भी रहा हूँ और मुझे नजर आ रहा है कि मुल्तान पब्लिक के बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, तो आई थिंक वी वुड लाइक टू टेक दिस इनिशिएटिव, और एज एलुमनाई ऑफ एमपीएस हमें ये करना चाहिए कि जिसमें हम एक ऐसा फंड कायम करें कि जिसमें डिजर्विंग बच्चे आए पढ़े, उनके लिए हौसला अफजाई के लिए कुछ मेडल्स हों, और ये सिर्फ हम स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन पे ना छोड़ें बल्कि हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी, आई थिंक इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी। जी जी, बिल्कुल सही है, आप एलुमनाई में आप खुद ये फंड कायम करके आप कर सकते हैं, अगर डिजर्विंग स्टूडेंट्स को जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं, उनको लुक आफ्टर कर सकते हैं, बड़ी सर्विस है ये, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आज बड़ा अमेज्ड हूँ, स्कूल में तो आपसे बड़ा डर लगता था, तो आज मुझे ख्वाजा रियाजुल हसैन साहब की ऐसी पर्सनैलिटी देखने का सर आपका मौका मिला, जिसमें भावलपुर से एक सफर का आगाज, हॉकी की बातें आज आपने बताई, आपने ये बताया कि किस तरह आपने
एनएचए की नौकरी छोड़ के टीचिंग की नौकरी को प्रेफरेंस दी और फिर वो सफर का आगाज और 30-31 साल की जर्नी। इट हैज बीन एन अमेजिंग डिस्कशन सर। कंक्लूजन में चाहूंगा हम जैसे लोगों के लिए, यूथ के लिए जो आपको सुन रही है, व्हाट इज दैट वन मैसेज जो आप हमारे यंगस्टर्स को, यूथ को, लोगों को देना चाहें जो ख्वाजा साहब की तरफ से मिले सर? बस मैं ये अपने स्टूडेंट्स को और आप सबको, बच्चों को कहना चाहता हूँ जो भी सुन रहे हैं, कि पॉजिटिव रहें लाइफ के बारे में, पॉजिटिव रहें जिंदगी में। पॉजिटिविटी एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, चीज़ों को पॉजिटिवली देखा करें और ये जिंदगी में आगे बढ़ने की है। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो अल्लाह की रहमत आपके साथ शामिल हो जाती है। तो आप अगर इस पे अमल करेंगे तो आप देख लेंगे कि जिंदगी कितनी आसान और खूबसूरत हो जाएगी इंशाल्लाह। पॉजिटिव होने का मैसेज है सर। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मुल्तान पब्लिक, मेरा बैच, हम तमाम लोग सर, वी लाइक टू थैंक यू, वी लाइक टू थैंक द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑलवेज वेलकमिंग अस जब भी हम आते हैं, और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ, सादे मोहतरम के साथ हैं कि अल्लाह ताला सर आपको लंबी उम्र दे और हमारे इस इदारे को इसी तरह रोशन और दमकता रहे और हम जितना इसमें कंट्रीब्यूट कर सके वो करें। बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं, आपने मुझे मौका दिया कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो है वो मुझसे, वो के दिल के तो मेरे बहुत करीब हैं, वैसे मुझसे दूर हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए, तो मैं उनको, उनसे मैं बात कर सका। बहुत शुक्रिया, जीते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।